खेतों में खरपतवार की जब बात होती है तो किसानों को अक्सर एक पौधे से बड़ी मुसीबत होती है, इसे चौलाई कहते हैं। लेकिन चौलाई के बारे में शायद ये कम लोग जानते हैं कि इसे बतौर भाजी के रूप में बड़े स्वाद से ग्रामीण अंचलों के लोग खाते हैं। आपको बताता चलूं कि इसके ऊपर के हिस्से में जो फूल होते हैं ये जब सूख जाते हैं, इसके अंदर जो बीज तैयार होते हैं, ग्रामीण अंचलों के लोग इन बीजों को एकत्रित कर लेते हैं। माना जाता है कि जब सूखा या अकाल की स्थिति हो तो ये बीज एक ज़बरदस्त अनाज का काम करते हैं। इनमें ज़बरदस्त ताकत देने की क्षमता होती है। इसकी पत्तियों की रस की बात करें तो जो पीलिया से ग्रसित लोग होते हैं उन्हें इसकी पत्तियों के रस के साथ समान मात्रा में पुनर्नवा की पत्तियों का रस दिया जाता है। माना जाता है कि दोनों जड़ी बूटियों का असर जो इस तरह से होता है कि पीलिया बड़े तेज़ी से राहत मिल जाती है इस रोग से। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि इसके पत्तियों को कुचलकर जो रस तैयार किया जाता है उन्हें दमा के रोगियों को भी दिया जाता है। इसके अलावा इसकी साग भाजी जो तैयार करी जाती है वो बड़ी ताकत देने वाली होती है, तो अक्सर आदिवासी इसे अपने खान पान के तौर तरीक़ों में इस्तेमाल करते हुए आए हैं, जिसकी जानकारी नहीं होने की वजह से अक्सर हम इन्हें खेतों से उखाड़ फेंकते हैं। उम्मीद है जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अगली बार किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार, शुक्रिया।